दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक, आप लोगों का वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पर पार्ट 4 वीडियो है, तो आइए इसमें हम ट्रिक नंबर 11 को लेके चलें। दोस्तों इससे पहले हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आया हुआ है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, तो उन वीडियो को भी आप जरूर देखें और सवालों को निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स बहुत आसान तरीके से आप उनमें देखेंगे और सीखेंगे। तो ये एक सवाल है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों इसमें आपको चार ऑप्शन हैं आंसर के, इनमें से एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, तो आइए ऐसे सवालों को निकालने की शॉर्ट ट्रिक हम सीखें। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो दोस्तों हम इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को, एक ऑब्जेक्ट है जो एक ही स्थान पर खड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की लंबाई नहीं है, और एक दूसरा हमें ऑब्जेक्ट प्लेटफार्म दिया हुआ है उसकी लंबाई हमें 100 मीटर दी हुई है और उसको पार करने में समय हमें 25 सेकंड और यहां पर खंभे को पार करने में समय 15 सेकंड, यानी कि टाइम हमें दो बार दिया हुआ है, तो टाइम को हम T1 और T2 लेके चलेंगे और जो ये हमें इस प्लेटफार्म की लंबाई दी है हम इसको भी x मान के चलेंगे। तो रेलगाड़ी एक x मीटर लंबे प्लेटफार्म को, हमने प्लेटफार्म को क्या माना दोस्तों, x माना, और हम खंभे को T1 टाइम में यानी कि T1 सेकंड में लेके चलते हैं और प्लेटफार्म को हम T2 सेकंड में ले देंगे, यानी कि T2 से दोने मतलब संकेत में हम उसको T2 लिखेंगे और खंभे के टाइम को हम T1 लिखेंगे, तो गाड़ी की लंबाई बराबर होगी, गाड़ी की लंबाई निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक होगी दोस्तों वो क्या होगी, एक्स गुणा में T1 बटे में T2 माइनस T1। ये T2 और T1 क्या है दोस्तों, ये समय है, ये T2 किसका टाइम है दोस्तों, जो प्लेटफार्म को उसने पार किया था गाड़ी ने, और T1 कौन सा है, जो खंभे को पार करने में समय लिया, ये वो है। जो यहां पे x है दोस्तों वो क्या हैगा, जो प्लेटफार्म की लंबाई है। तो आइए सवाल को अब हम लेके चलें, आगे बढ़ें। तो दोस्तों कीजिए सवाल को, अब हमारे पास में 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो यहां पे हम क्या भर लेंगे दोस्तों, 100 गुणा में T1 हमको कितना दिया हुआ है, खंभे को कितने टाइम में पार कर रही है वो 15 सेकंड में, और T2 कितना है दोस्तों 25, प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। इस सूत्र को आप बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें दोस्तों, ये बहुत अच्छा सूत्र है शॉर्टकट ट्रिक का, 25 माइनस 15, यानी कि ये दो समय थे, एक प्लेटफार्म का और एक खंभे का पार करने में, ये हमने इसको माइनस कर दिया, 100 की गुणा हम 15 में करेंगे दोस्तों 1500 हो गया, और 25 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 10, तो 1500 बटे 10, तो हमारा कितना उत्तर आया दोस्तों, 150 मीटर उत्तर आया, जो हमारा ऑप्शन सी में है। इस तरह के हम शॉर्ट कट ट्रिक के द्वारा हम ऐसे सवालों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना प्लीज, देखिए बहुत अच्छा मेरे पास में एक अगला ट्रिक आई है नंबर 12 कि इसमें क्या दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है। यहां भी प्लेटफार्म उनको दो दिए हुए हैं, दोनों प्लेटफार्म की लंबाई अलग अलग है, उनको पार करने में समय भी अलग अलग है,
तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है और साथ साथ इसमें एक दूसरा क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी है कि गाड़ी की चाल भी ज्ञात करो। हमें गाड़ी की चाल भी ज्ञात करनी है। मैंने क्या किया, इस सवाल को दो जगह ना लिख करके दोस्तों, जो एक ही जगह लिख दिया है, इसको हम अलग अलग पार्ट में यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है तो जो लंबाई निकल कर आएगी इन चार आंसर में से हमारा एक आंसर बिल्कुल सत्य होगा। इसी प्रकार गाड़ी की चाल ज्ञात करेंगे तो गाड़ी की चाल इन चार में से एक हमारी बिल्कुल सत्य होगी। जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं वो तो इस सवाल को निकाल चुके हैं, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं मैथ में उनको सीखना है, और सीखने के लिए ही दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए हम इन सवालों को निकालने के लिए सबसे पहले हम उस शॉर्टकट मेथड को सीखें कि वो है क्या। अब इसमें एक रेलगाड़ी एक्स वन मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को टी वन सेकेंड में एक्स वन और ये टाइम टी वन तथा एक्स टू मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को टी टू टाइम में पार करती है, तो उसकी लंबाई किस तरह से हम निकालेंगे। हम दोस्तों क्या करेंगे, लंबाई निकालने के लिए हम एक्स वन गुना टी टू यानी कि पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई की गुणा हम दोस्तों दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने वाले टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस क्या करेंगे दोस्तों, हम दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई को पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या आया दोस्तों, निकल के हमारे पास में एक्स टू मल्टीप्लाई टी वन, फिर हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। डिवाइड करने में हम दोनों प्लेटफॉर्म में जो गाड़ी ने टाइम लिया था उसको माइनस कर देंगे, टी टू माइनस टी वन। अगर ये हमारे पास सूत्र होगा, और हम इस सूत्र को जानते हैं, शॉर्टकट ट्रिक का बहुत आसान सा सूत्र है दोस्तों, तो हम चुटकी बजाते ही सवाल को सोल्व कर सकते हैं। पांच सेकंड तो बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। अब देखिए पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी दोस्तों, 162, और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने कितना समय लिया था, 15। इनकी गुणा करी, फिर हमने पहले, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 दी हुई है और पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना था, 18, ये भर दिया। अब हमने दोनों प्लेटफॉर्मों में जो टाइम लिया था उसने, उसको हमने माइनस कर दिया टी टू में से टी वन को। अब अगर हम इनको काटें दोस्तों, तो 162 गुना 15 माइनस 120 गुना 18, 18 में से 15 गए, 3 बचा। अगर हम इसको शॉर्ट करें, टाइम ज्यादा ना लगाएं, वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आता है, 90 मीटर। तो कितनी लंबाई होगी गाड़ी की, ट्रेन की, 90 मीटर। और यहां पे हमारे ऑप्शन में ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य है। अब इसी प्रकार हम इसमें चलते हैं कि गाड़ी की अगर हमें चाल ज्ञात करनी हो, तो चाल ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, जो दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म नंबर, प्लेटफॉर्म जो दूसरा प्लेटफॉर्म था 120 मीटर वाला, ये पहला प्लेटफॉर्म था 162 मीटर वाला, हम दोस्तों क्या करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू कर देंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू, दोनों प्लेटफॉर्म की लंबाइयों को आपस में माइनस कर देंगे, और जो टाइम लिया था उन्होंने पार करने में ट्रेन ने, उसको भी माइनस हम कर देंगे। इस प्रकार ये क्या आया था, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं दोस्तों, एक्स टू और बटे में हमारा टी टू माइनस टी वन, ये हमारा इसका शॉर्टकट सूत्र है जो बहुत आसान सा है। देखने में सवाल हमको कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन सूत्र हमारे सामने आने के बाद में कितना आसान हो गया। अब हम यहां पे लेके चलते हैं दोस्तों कि पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या थी, 162, दूसरे की दोस्तों कितनी थी, 120, और टाइम क्या था, 18 और 15। चलिए इसको घटा देते, 162 से 120 गया दोस्तों, कितना बचा, 42, और 18 में से 15 माइनस किया, 3,
42 को 3 से भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे चुके हैं। कितना आया दोस्तों? 14 सेकंड का टाइम लेगी ट्रेन। तो 14 हमारा ऑप्शन बी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्द ही मिलते हैं आपसे हम और ट्रिक्स लेकर के, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर के। किसी भी एग्जाम में आए सवाल आप बड़ी आसानी से उनको हल करें। तो गुड लक फॉर एग्जाम, हैव ए नाइस डे। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।